रेडी हो गई हूँ, तो जा रहे हैं आज। वो एक पार्क है दीदी को बहुत जाना है, मतलब बहुत ही, मतलब वो उसने ना एक वीडियो देखा था उसमें से उसका मन हो गया वो उस पार्क में जाने का, क्योंकि वो बच्चों की जैसी पार्क बनी है, मतलब बच्चों वाली ही है, स्माइली वगैरह है, तो उसी पार्क में उनको आज ले जा रहे हैं। कई दिन से ये चीज़ें कर रही हैं, इनकी तबीयत अभी कई दिन से ख़राब है, ठीक नहीं है, हल्की फुल्की ठीक है, लेकिन अब जैसे कर रही हैं तो क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। तो हम रेडी हो गए, टीचू अभी रेडी हो रही है, उनकी मौसी रेडी कर रही हैं और मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, तो अभी हम लोग जाएँगे, उसके बाद आएंगे, देखते हैं वहाँ कैसा पार्क है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, मतलब पहले जा चुके हैं, लेकिन वो जो है फिर से रिन्यूएबल रिनोवेट हुआ है, तो देखते हैं चलकर। बने रहो ब्लॉग में, स्किप मत करना, लाइक को कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। ये पार्क पड़ता है हमारा डालीगंज पे, लखनऊ में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा डालीगंज कहाँ पे पड़ता है, डालीगंज के पास ही, मतलब उसी पे पड़ता है, पुराना लखनऊ के पास पड़ता है। तो इस पार्क के बारे में मैंने नींबू पार्क इसको कहा जाता था, जिसकी रेनोवेट होके स्माइली पार्क, मतलब कि कहिए तो स्माइली को हैप्पीनेस पार्क इसका नाम रखा गया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं देखो यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि मतलब अभी ये आप देख रहे हो सामने, यही है हैप्पीनेस पार्क, लेकिन अभी ये बाहर से हम लोग, मैंने वीडियो शूट किया क्योंकि अंदर अभी एंट्री ही नहीं, ओपनिंग इसकी नहीं हुई है, अभी ये पूरी तरीके से बना नहीं है। अभी आप देख रहे हो कितनी ही अच्छे अच्छे इमोजीज हैं, इसीलिए इसका नाम हैप्पीनेस पार्क रखा गया, क्योंकि आप अंदर एंटर करोगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उल्टी पुल्टी आपको, मतलब जैसे दुनिया गोल होती उस तरीके से बनाई गई हैं, मतलब हर चीज़ इंसानों को उल्टा कर दिया गया है, कुछ चीज़ें जैसे कि हैट, जैसे कि घर वगैरह वो सब उल्टे पुल्टे कर दिए गए। तो हम लोग को एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि वो खुलेगा जुलाई में। तो अभी हम लोग उसके जस्ट बगल में ही एक पार्क पड़ता है जिसको हाथी पार्क भी कहते हैं, लखनऊ वाले लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे टीटू जिद कर रही थी, टीटू को हमने बताया नहीं था आराम से, हम लोग इस पार्क में जा रहे हैं, हम लोग ने बोला यही हैप्पीनेस पार्क है, ये आगे से एंट्री है, तो इनको स्टार्ट करती। तो यहाँ पे झूले वगैरह थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बहल गया था इनका मन, तो इनको यहीं पे लेकर आए थे, तो यहाँ पे भी काफी इन्होंने इंजॉय किया आप देख सकते हो, और यहाँ पे इनको चोट भी लग गई थी, अभी आपको ये आगे खुद ही बताएंगी दिखाएंगी। और यहाँ पे इन्होंने काफी झूले थे, थक गई थी, और देख सकते हो आप, देखो और ब्लॉग में बने रहो, पूरा ब्लॉग देखना, स्किप मत करना, लाइक शेयर कमेंट करना, जो भी लोग चैनल पे न्यू हो देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। और ये पार्क भी बच्चों के घूमने लायक ही थी, बहुत ही अच्छी, मतलब पार्क थी कहिए, क्योंकि अभी ये जो हैप्पीनेस पार्क है ये बन जाएगा, तो इसके आगे ये वाली पार्क थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा, क्योंकि उस हैप्पीनेस पार्क को आप देखोगे ना तो मतलब क्या ही कहें आप, जब भी लखनऊ में अगर आप लोग नहीं रहते हो, लखनऊ आना तो इस पार्क में, हैप्पीनेस पार्क जिसकी ओपनिंग हो रही है, उस पार्क को ज़रूर घूमना, और बगल में इसको भी इंजॉय कर सकते हो, यहाँ मतलब आप घूम फिर सकते हो, टहल सकते हो, वॉक कर सकते हो, इस पर्पज़ से ये पार्क बेटर है। और पहले यहाँ इस पार्क में भी बहुत ही झूले बहुत ज़्यादा रहते थे, बट अभी जो है थोड़ा सा इसको भी रिनोवेट करने की ज़रूरत है, मतलब पूरी मरम्मत की ज़रूरत है इसको, अभी तो यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह के झूले लगा दिए गए। और यहाँ पर टीटू की एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी, क्या ही बताएँ, ये देखो चोट लग गई टीटू मेरी दिखा रही है हैंड में।
और यहाँ पे ये बार बार चोटी को लेकर बैठ गई थी, चोट लग गई थी, गिर गई थी, तो बार बार ये वही दिखा रही थी। और यहाँ पे देखो रो रही हैं, ये बार बार बाहर की चीज़ इन्होंने देख रही थी, मोमोज बिक रहे थे तो वही ये मांग रही थी कि मोमोज चाहिए। फिर हमने कहा चलो अच्छा अब थोड़ी देर इस पार्क में घूम चुके हैं तो अभी चलते हैं देखते हैं कहीं और। फिर हम लोग ने कहा कि बार बार ये वही मांग रही थी, वहीं सामने ही लगा था तो हम लोगों ने दिलाया नहीं था, इसलिए हमने कहा कि चलो अच्छा एक नई पार्क ले चलते हैं। तो बगल में ही एक थोड़ी दूर पर एक और पार्क थी, चलो आपको ले चलते हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर थी। तो ये पार्क बहुत ही मतलब अच्छा पार्क था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, बैठने लायक था ये भी। यहाँ तो बिल्कुल भी झूले वगैरह नहीं थे, आप देख सकते हो। ये है पार्क, इसका नाम है शहीद स्मारक पार्क है, शहीदों के ऊपर बनाई गई है, तो आप देख सकते हो नगर निगम में आती है ये। तो इस पार्क में मतलब कुछ खास नहीं था, लेकिन पेड़ वगैरह, लेकिन फिर भी इनका मन बहलाने के लिए हम आ गए थे। हमने कहा चलो भैया, वरना ये चिल्ला चिल्ला के जिद्दी लड़की है, परेशान कर देती बहुत ही ज़्यादा, आप लोग समझ सकते हो जो लोग इस मेरे चैनल पे जुड़े होंगे पहले से। तो अभी हम इस पार्क पहुँच चुके हैं और ये इनकी एनर्जी बिल्कुल नहीं, कई दिनों से बताया था ना आप लोग को, तबीयत ख़राब थी, जिन लोगों ने पुराना ब्लॉग पिछला देखा होगा तो इनके एनर्जी नहीं बची थी कि टहल सकें या घूम सकें, लेकिन फिर भी इनको चलना था पार्क, तो हमने कहा चलो फिर चलते हैं भाई, तबीयत ख़राब होती बच्चों को रुलाना भी नहीं सही रहता है। तो अभी हम इस पार्क में आ गए और ये सामने आप देख रहे हो कितना ही मतलब हरियाली एकदम थी, मतलब यहाँ पानी वगैरह डाल देते हैं हर शाम को, मतलब डेली, तो बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मियाँ थी तो गर्मियों में तो वैसे भी गर्मियों का सीज़न था तो बहुत अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है और ठंडी ठंडी हवा भी आती है, तो इस वजह से अच्छा लग रहा था। बाकी यहाँ कुछ ऐसा नहीं था। बाकी ये देख रहे हो, ये आपको वाइट कलर का शहीद स्मारक के नाम से ये ही गुंबद टाइप का बनाया गया है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि हम लोग को ये एरिया पता नहीं है। और यहाँ टीटू जो है देखो बैठी हुई है, कह रही अब मैं थक गई हूँ मैं नहीं चलूँगी, लेकिन बस ये एक ही चीज़ बता रही हूँ, मुझे बाहर की चीज़ खानी, बाहर की चीज़ खानी है। हम लोग किसी तरह इनको बस बहला फुसला रहे थे कि ये मतलब ध्यान इनका भटका रहे थे कि ये देखो वो देखो। और यहाँ पर ये इन्होंने इधर यहाँ पे जो है क्रो, ये देखो बैठा हुआ है, ये देख लिया था, अब ये कह रही थी मुझे ये क्रो और चिड़िया जो है पकड़नी है, मुझे अपने घर ले चलना है। इनको पक्षियों से एनिमल से इतना प्यार है क्या ही बताएं। तो देख सकते हो यहाँ पे कितना मतलब सब तरफ हरियाली छाई हुई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन इन्होंने ज़्यादा देर हमको टीटू ने बैठने नहीं दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास बैठी है, देखो ये बार बार हमको ये अपनी चोट ही दिखा रही थी। हम कह रहे थोड़ी देर रुक जाओ, नहीं मुझे चलो दवाई लगा दो और मुझे बाहर की चीज़ जब खिलाओगी तब मेरी चोट सही होगी, ये बोल रही थी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रोना हम दे, और बच्चे खेल रहे थे तो मैंने कहा, कह रही नहीं मुझे मेरी चोट देखो, मुझे खाने की ज़रूरत है, मेरी चोट के लिए मुझे खाना है और मुझे दवाई इस पर लगा दो चक्कर। मैंने कहा चलो फिर थोड़ी देर ही, मतलब मुश्किल से 10 से 15 मिनट बैठे होंगे और यहाँ का टिकट जो है 15 रुपये हम लोग को पड़ गया था। तो अभी बैठने के बाद हमने सोचा चलो अब चलते हैं, ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं क्योंकि हो गई थी रात काफ़ी ही ज़्यादा, 8:30 बज रहा था, हम लोग को अपने घर के लिए निकलना था, तो इसीलिए हमने कहा जल्दी चलते हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था। तो इस ब्लॉग को आज का यहीं पर एंड करते हैं, सब लोग बताना कैसा लगा ब्लॉग, और प्लीज़ आप लोग प्रे करो मेरी बेटी जल्दी ठीक हो जाए, तब तक ले बाय बाय।